जो कल राजस्थान वर्सेस एमआई के मुकाबले में दोस्तों तिलक वर्मा को कप्तान, वहीं यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाकर के लाखों रुपए विन किए। आज चेन्नई वर्सेस लखनऊ के मैच में दोस्तों ग्रैंड लीग विन करना है दोस्तों, और स्मॉल लीग को अल्ट्रा क्लीन स्वीप करना है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं ये संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। जिन भाइयों को दोस्तों बागेश्वर धाम में अर्जी लगवानी हो, फटाफट अपना नाम कमेंट बॉक्स में आगे बागेश्वर धाम की जय लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों हमारी अर्जी लगा रहे हैं और लाखों रुपए दोस्तों प्रॉफिट कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि भगवान की मर्जी के बिना दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारी और आपकी क्या औकात है दोस्तों। जो हम आपको ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं ये भी दोस्तों बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर के आशीर्वाद के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों आप लोग चाहे जितनी यूनिक टीम बना लो, चाहे जितनी परफेक्ट टीम बना ले, पर तो दोस्तों अगर दोस्तों कप्तान का गणित नहीं समझा तो सब बेकार है। देखिए हम कुछ प्रूफ भी आपको दिखाई देते हैं जो हमारी टीम से लगभग दोस्तों डेली कप्तान बनते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों संपूर्ण प्रूफ देखता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। देखिए दोस्तों मुंबई वर्सेस पंजाब का महा मुकाबला हुआ, जहां रोहित को दोस्तों कप्तान, वहीं बुमराह को वाइस कैप्टन बनाकर के दोस्तों 9,09,000 रुपए विन किया दोस्तों। और भी आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, राजस्थान वर्सेस कोलकाता का महा मुकाबला हुआ, जहां सुनील नारायण को कप्तान, वहीं बटलर को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाकर के यहां से दोस्तों 3 करोड़ रुपए विन किया गया दोस्तों। और भी देख सकते हैं चेन्नई वर्सेस गुजरात का महा मुकाबला हुआ, जहां पर दोस्तों रचना रविंद्र को कप्तान बनाकर के लाखों रुपए विन किया गया दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखेंगे बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास, मुंबई वर्सेस चेन्नई का महा मुकाबला हुआ, जहां रोहित को कप्तान और गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाकर के लाखों रुपए विन किए गए दोस्तों। यहां पर दोस्तों पंजाब वर्सेस बंगलोर का महा मुकाबला हुआ, जहां दोस्तों विराट को कप्तान, वहीं हरप्रीत बरार को वाइस कैप्टन बनाकर के 2 करोड़ रुपए विन किए गए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों प्रूफ की कमी नहीं, बहुत सारे हमारे प्राप्त प्रूफ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बंगलोर वर्सेस लखनऊ का महा मुकाबला हुआ, जहां डिकॉक को कप्तान, वहीं निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन बनाकर के लाखों रुपए विन किया गया। तो दोस्तों यहां पर प्रत्येक दिन दोस्तों हमारी टीम के बताए हुए कप्तान दोस्तों डीटी पर आते हैं और हम लाखों रुपए विन कर रहे हैं। आप दोस्तों क्यों मांगे? तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, पूरे प्रूफ यहां पर नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो दोस्तों हम पूरे प्रूफ दिखा देते। डेली दोस्तों हमारे कप्तान गृत में क्यों आते हैं, इसका मेन कारण दोस्तों ईश्वर का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है और ज्योतिष आंकड़े का प्रसाद है। तो दोस्तों आज भी दोस्तों चेन्नई वर्सेस लखनऊ का जो ये महा मुकाबला है, इसमें दोस्तों हम लोग किस प्रकार ग्रैंड लीग के बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे और दोस्तों स्मॉल लीग को अल्ट्रा क्लीन स्वीप करेंगे और लाखों रुपए विन करेंगे, क्योंकि आईपीएल 2024 में दोस्तों हमने तहलका मचाया है और तहलका मचाते रहेंगे दोस्तों। कल का मैच भी ऐसा लग रहा था दोस्तों, एक तरफा कर दिया है केवल दोस्तों। आप लोगों को प्रूफ देखना तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिलने वाला है। तो दोस्तों आज भी दोस्तों यहां पर ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से हम लेकर के आए हैं काशी के प्रसिद्ध शिक्षक पंडित गणेश आपा जी का पंचांग लेकर के आए, जहां एक एक खिलाड़ी के दोस्तों हम राशि जानेंगे, एक एक खिलाड़ी का नक्षत्र जानेंगे, एक एक खिलाड़ी की राशि जानेंगे, एक एक खिलाड़ी का नाड़ी और एक एक खिलाड़ी का गण जानकर के हम आपको संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम की आशीर्वाद से प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे कि कौन खिलाड़ी कितने रन बनाने वाला है, कौन खिलाड़ी को किस पारी में लेकर के चलना है, किस खिलाड़ी की स्टार चमक रहे हैं और किस खिलाड़ी की स्टार डल होते हुए नजर आते हैं, किस खिलाड़ी के ऊपर किस चीज का दोस्तों हाथ है, संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोग चलिएगा दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी कौन खिलाड़ी कितने रन, कितने चौके, कितने छक्के और कितने बालों का सामना करने वाला है। और एट लास्ट में दोस्तों हम ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से आपको कप्तान बना करके भी देने वाले। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, लगातार वीडियो को देखना है, 100% दोस्तों आपको भी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों आओ देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहां पर हमने क्या किया है दोस्तों, चेन्नई वर्सेस लखनऊ का यह महा मुकाबला है, आप लोग जानते हो हम भी जानते हो, दोनों ही टीम बहुत ही लाजवाब है, यहां पर दोनों ही टीम अंक तालिका में ऊपर ही विराजमान है और दोनों टीम आज के लिए दोस्तों यहां पर जीत के लिए खेलने वाली है। ये मैच दोस्तों चेन्नई के होम ग्राउंड पर होने वाला है, एम एस चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई पर होने वाला है, जो पिच दोस्तों बैटिंग के लिए बेहद ही अनुकूल मानी जाती है। औसत स्कोर 174 का है दोस्तों, यहां पर पेसर्स के लिए बहुत ही मददगार पिच है। यहां पर दोस्तों हमने क्या किया, चेन्नई के टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया है, वही लखनऊ के टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया है, जो दोस्तों कप्तान की बनने की रेस में 99% लोग इन्हीं को कप्तान बना रहे हैं। पर दोस्तों आप लोगों को यह गलती नहीं करनी, आपको किसको बनाना है हम आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर
ईश्वर धाम के आशीर्वाद से बताने वाले हैं। तो देखिएगा चेन्नई के टॉप सिक्स खिलाड़ियों में देखिए हम किसको लिया है। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रचना रवीन, रविंद्र जडेजा, मोइन अली जहाँ पथिराना को लिया, वहीं लखनऊ की तरफ से लोकेश राहुल, कुंटन डिकार, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनी, कुणाल पांडे और यश ठाकुर को लिया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों आज सिलेक्शन किया और आज दोस्तों स्मॉल लीग में तो उल्टा क्लीन स्वीप करने वाले हैं। आप लोगों को सलाह देते हैं कि दोस्तों आप लोग पहले इकट्ठा करिए स्मॉल लीग के लिए 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए छोटी छोटी टीमों बना करके कम स्पॉट पर खेलिए। 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी और ग्रैंड लीग आप लोग बाद में खेलिएगा जब। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं चेन्नई वर्सेस दोस्तों लखनऊ के मुकाबले में देखिएगा ऋतुराज गायकवाड़ के विषय में। सबसे पहले चेन्नई चलते हैं और चेन्नई के एक एक खिलाड़ी की हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। चेन्नई के सबसे बेहतर नेतृत्वकर्ता चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेते हैं जो तुला राशि के जातक आप जानते हो और हम भी जानते हैं। यहाँ पर इनका सिलेक्शन परसेंट देखिए 85.10 है, 10.45% लोग कप्तान, वही 11.96% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाने रहे। ऋतुराज गायकवाड़ को आप लोग जानते हैं तुला राशि के जातक है। इनका नक्षत्र चित्र है बुध और शुक्र दोनों दूसरे नंबर पर विराजमान है। राक्षस नाड़ी मध्य बहुत ही अच्छा योग तो नहीं बनता दिखाई देता पर सूर्य और चंद्रमा इनके साक्षीकरण और राहु केतु इनके दरवाजे से बाहर हट चुके हैं। तो दोस्तों चेन्नई के इस दोस्तों महान बल्लेबाज को दोस्तों बहुत ही अच्छा योग बन सकता है। अब दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर चुके हैं, अब दूसरे नंबर के बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे की बात कर लेते हैं जो चेन्नई के दोस्तों बहुत ही मुख्य हथियारों में नाम आने जाते हैं। शिवम दुबे दोस्तों कुंभ राज के जातक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन परसेंट 87.13 है, 12.37% लोग कप्तान, वही 12.73% लोग वाइस कैप्टन बना रहे दोस्तों शिवम दुबे। ये दोस्तों खिलाड़ी कुंभ राज के जातक और सतविका नक्षत्र राक्षस प्रवृत्ति है और सन की क्या छाया है दोस्तों यहाँ पर नाली इनका आदि है। अगर चेन्नई सेकेंड बैटिंग करती है तो दोस्तों शिवम दुबे का बहुत ही अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड बैटिंग करती है तो शिवम दुबे को बिल्कुल ड्रॉप करके मत जाना दोस्तों, आज बहुत अच्छे ड्रीमा पॉइंट आपको देने वाले हैं। अगर दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करती है चेन्नई तब तो शिवम दुबे को आप मल्टीपल टीम बना करके चलना तब लेना, अन्यथा आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। पर सिंगल टीम में आप लोग शिवम दुबे को बिल्कुल लेकर के जाइए, बहुत ही अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहां पर रचना रविंद्र की बात कर लेते हैं जो पिछले मैचों में बहुत ही अच्छा योगदान नहीं दिया पर जिस नाम के लिए जाने जाते हैं बहुत ही अच्छे दोस्तों खिलाड़ी हैं और दोस्तों मैच को दोस्तों एक तरफा करने में माहिर है दोस्तों। जिस दिन भी बल्ला चल जाता है आप लोगों ने कल भी देखा होगा दोस्तों यशस्वी जायसवाल बार बार फ्लॉप हो रहे थे परंतु कल के मैच में जिस प्रकार की वो पारी के लिए ताबड़तोड़ दोस्तों 7 6 मारे हैं, ऐसा लग रहा था दोस्तों ये दोस्तों पहले जो खेल रहे थे वो यशस्वी जायसवाल नहीं, वो यशस्वी जायसवाल का कोई और अलग रूप था। परंतु कल ओरिजिनल में यशस्वी जायसवाल जिस नाम के लिए जाने चाहते 2023 में जिस प्रकार का दोस्तों तहलका मचाया था सेम उस प्रकार से यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आए और अपने टीम को दोस्तों लगातार 8 मैच में 7वीं जीत दिला करके दोस्तों अंक तालिका में श्रेष्ठ पर विराजमान रहे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब मैच है दोस्तों। यहां पर देखिएगा शिवम दुबे की बात करें, रचना रविंद्र जो तुला राशि के जातक हैं 47.10% का सिलेक्शन परसेंट घटने का मेन कारण है दोस्तों इनके परफॉर्मेंस में कमी होना और इसी प्रकार के खिलाड़ी आपको ट्रंप प्लेयर और रिस्की प्लेयर दोस्तों इनको बहुत लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप लोग इनको लेकर के जाइए। तुला राशि के जातक है 7% लोग कप्तान, वही 4.4% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना रहे हैं दोस्तों। तुला राशि के जातक है आप लोग जानते होंगे, चित्रा नक्षत्र बुध और शुक्र दूसरे नंबर पर विराजमान दोस्तों। लाजवाब तरीके के खिलाड़ी आप इनको लेकर के जाते तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। वही हाल दोस्तों रविंद्र जडेजा का, रविंद्र जडेजा का दोस्तों हाइस्ट सिलेक्शन परसेंट है 94.10, 10.86% लोग कप्तान, 19.60% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी तुला राशि के जातक है आप लोग जानते होंगे, चित्रा नक्षत्र बुध और शुक्र दोनों दूसरे नंबर पर विराजमान है। राक्षस प्रवृत्ति है इनके और नाड़ी इनका मध्य दोस्तों बहुत ही अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देता है रविंद्र जडेजा का। तो रविंद्र जडेजा को आप लोग लेकर के जाएंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सफलता आज मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि रविंद्र जडेजा का सूर्य दोस्तों सूर्य साक्षीकरण, अगर दोस्तों रविंद्र जडेजा को फर्स्ट बैटिंग मिलती है तो दोस्तों बहुत अच्छा करेंगे और सेकंड में अगर बॉलिंग मिलती है तो बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने रविंद्र जडेजा के विषय में बात कर ली, आप चलते हैं दोस्तों मोइन अली के विषय में बात कर लेते हैं। मोइन अली का सिलेक्शन परसेंट आप लोग देख सकते हैं 43.10, 1.45% लोग कप्तान, 2.19% लोग वाइस कैप्टन बना रहे दोस्तों मोइन अली को। अब मोइन अली की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे सिंह राज के दोस्तों जातक है, यहाँ पूर्व फाल्गुनी इनका नक्षत्र है और दोस्तों इनके सर पर दोस्तों सूर्य का हाथ है और दोस्तों पहली पारी में अगर इन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लंबे लंबे चौके और छक्के दोस्तों मारते हुए मोइन अली नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर मोइन अली के विषय में बिल्कुल जानकारी आपको मिल गई। अब दोस्तों एम पथिराना की बात करते हैं, दोस्तों मथीसा पथिराना की बात कर लेते हैं दोस्तों 88.10% सिलेक्शन परसेंट, 5.25% लोग कप्तान, वहीं 8.07% लोग इन्हें वाइस कैप्टन
बना रहे दोस्तों। एम पथिराना भी दोस्तों सिंह राशि के जातक है, आप लोग जानते होंगे, पर इनका नक्षत्र दोस्तों अलग है। इनका नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इनके सर पर भी सूर्य का हाथ और राक्षस बहुत नारी अंत बहुत ही अच्छा योग, वहीं पर 102 विकेट झटक करके आपको देने वाले हैं। इनका जो मघा नक्षत्र है दोस्तों इनको लेकर 100% आना है दोस्तों। एक ही टीम बनाए फिर भी दोस्तों इनका योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मथीसा पथिराना को ड्राप नहीं करना, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी। इस प्रकार से चेन्नई के सभी खिलाड़ियों को, टॉप 6 खिलाड़ियों के विषय में हमने ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से पूरी जानकारी दी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय। आओ चलते दोस्तों चेन्नई के बाद दोस्तों लखनऊ की तरफ मुकाबला करते हैं, लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। तो यहां पर देखिएगा लोकेश राहुल है, लोकेश राहुल है दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अपने टीम के नेतृत्व करता है। सिलेक्शन परसेंट बहुत ही लाजवाब है, 92.1031.82% सिलेक्शन परसेंट और 12.37% दोस्तों इन्हें वाइस कैप्टन बना रहे दोस्तों। लोकेश राहुल की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे मीक राशि की जातक और भरणी नक्षत्र भौम का इनका राशि से मनुष्य नाड़ी इनका मध्य दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन नहीं करते अपनी टीम पर लेकर के जाना, पर दोस्तों आज लोकेश राहुल का दोस्तों दिन कप्तान कप्तान के लिए बिल्कुल फिट बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों आज लोकेश राहुल को आप लोग कप्तान कप्तान मत बनाना, अपनी टीम पर लेकर के जा सकते हैं। दूसरे नंबर के दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज है। जहाँ 80.10% लोग दोस्तों सिलेक्शन परसेंट, 9.78% लोग कप्तान, वही 9.28% लोग दोस्तों इन्हें वाइस कैप्टन बना रहे हैं दोस्तों क्विंटन डिकॉक को। क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि के जातक है दोस्तों, इनका नक्षत्र आद्रा है, बुध का दोस्तों इनका राशि से मनुष्य नाड़ी आदि है। अगर दोस्तों लखनऊ सेकंड पारी में बैटिंग करती है तो क्विंटन डिकॉक का बल्ला दोस्तों हल्ला बोल सकता है दोस्तों। ये शुभ योग बन रहा है, राहु और केतु उनके सामने से हट चुके हैं दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा इनका साक्षीकरण हो चुका है। तो दोस्तों अगर यहां पर दोस्तों हमने आपको बताया अगर लखनऊ सेकंड बैटिंग करके चलती है तो क्विंटन डिकॉक को 100% लेकर के जाना है, अन्यथा दोस्तों क्विंटन डिकॉक को ड्राप कर सकते हो। क्विंटन डिकॉक को तब लेकर के जाना अगर मल्टीपल टीम बनाकर चलना। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं क्विंटन डिकॉक के विषय में जानकारी हो चुकी, अब चलते हैं निकोलस पूरन के विषय में जानकारी कर लेते हैं। निकोलस पूरन को आप लोग जानते होंगे, ये भी वृश्चिक राशि के जातक है, आप लोग जानते हो हम भी जानते हैं दोस्तों। निकोलस पूरन की बहुत अच्छा योग बन रहा है दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक है, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों निकोलस पूरन। तो दोस्तों आओ हम इनके विषय में जानकारी करते हैं। निकोलस पूरन के बाद दोस्तों वृश्चिक राशि के जातक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को पूरी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को क्या जानकारी प्रदान करनी हम आपको बताते हैं। यहाँ दोस्तों जो इनका नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र है दोस्तों, यहाँ पर भौम है और दोस्तों इनके सर पर देव का हाथ है, इनके सर पर देव का हाथ है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते थे इनके सर पर दोस्तों बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी आपको बागेश्वर धाम के अनुसार दोस्तों और ज्योतिष आंकड़े के द्वारा प्रदान की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी मिल रही, 78.10% सिलेक्शन परसेंट, 3.32% लोग कप्तान, वही 5% लोग वाइस कैप्टन बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इनका दोस्तों सुंदर योग बन रहा है दोस्तों, यहां पर निकोलस पूरन का भी सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके सर पर देव का हाथ है और जिसके सर पर भी देव का हाथ हो, ईश्वर का हाथ हो, उसका दोस्तों कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप जानते हो और हम भी जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर निकोलस पूरन को आज लेकर के चलना है, बहुत ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों निकोलस पूरन का। तो दोस्तों हमने कोलत पूरन के विषय में जानकारी दी, अब चलते हैं दोस्तों मार्कस स्टोनिस के विषय में जानकारी ले लेते हैं। मार्कस स्टोनिस आप लोग ध्यान सकते हैं दोस्तों, यहां पर बहुत ही लाजवाब ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 76.10% सिलेक्शन परसेंट, वही 1.58% लोग कप्तान, वही 3.70% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं दोस्तों। मार्कस स्टोनिस दोस्तों यहां पर जान सकते हैं सिंह राशि के जातक है, उनका नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है दोस्तों, और दोस्तों सूर्य इनका राशि से, इनके सर पर दोस्तों सूर्य भगवान का दोस्तों हाथ है। अगर दोस्तों पहले बैटिंग करती है लखनऊ तो मार्कस स्टोनिस को 100% लेकर के जाना है, कोई भी से ड्राप नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है क्योंकि इनका जो साक्षीकरण सूर्य भगवान है। कुणाल पांड्या की बात कर लेते हैं जो मिथुन राशि के जातक है, आप लोग जानते हो और हम भी जानते हैं आदना नक्षत्र है दोस्तों, बुद्ध है, मनुष्य आदि है। अगर दोस्तों सेकंड बैटिंग करने का मौका मिलता है दोस्तों तो कुणाल पांड्या को आप लोग लेकर के जाएंगे, और सेकंड बॉलिंग करने का मौका मिलता है तब भी लेकर के जाएंगे, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है दोस्तों। कुणाल पांड्या आज रिस्की प्लेयर और गेम चेंजर प्लेयर के तरह तब दोस्तों आपके सामने आ सकते हैं। यश ठाकुर की बात कर लेते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक हो, उनका जो नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र है दोस्तों, भौम है और राक्षस और नाड़ी आदि है। अगर सेकंड में बॉलिंग करने का मौका मिलता है लखनऊ दोस्तों टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती तो यश ठाकुर को ले लें, अन्यथा दोस्तों यश ठाकुर को भी ड्राप करके आप लोग जा सकते हैं।
तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको हमने ज्योतिष आंकड़े के द्वारा प्रदान की। अब दोस्तों आओ चलते हैं, दोस्तों आपकी रैंक क्यों आते आते रुक जाती है, आपको क्या हो गया है दोस्तों, आप लाखों रुपए अगर दोस्तों हार चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर पाए, आप कहां कहां गलती करते हो वो कारण हम आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कप्तान कप्तान भी बना करके देने वाले। दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है कि दोस्तों आप लोग क्या होता है, जैसे लाइन अप घोषित होती है तो आप हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ियों में फंस जाते हैं और हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ियों को दोस्तों सीवीसी बना लेती हैं और दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी अपने टीम पर ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो 22 खिलाड़ी होते हैं, 22 में 8 से 9 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन होते हैं, जिनका सिलेक्शन पर्सन 70 के ऊपर होता है, उन खिलाड़ियों को ले जाकर के दोस्तों आप लोग दिमाग लगाते कि आज हम लाखों रुपए विन कर लेंगे, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता। दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चेन्नई की तरफ से हमारे हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी कितने हैं, 2, 3 और 4 चार खिलाड़ी दोस्तों आज भी चेन्नई की तरफ से हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के हैं। लखनऊ की तरफ से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लखनऊ की तरफ से हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 4 खिलाड़ी। तो दोस्तों हमारे पास आज हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी की बात कर लेते तो 8 खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है, और अगर उन्हीं 8 खिलाड़ियों को लेकर के जाते और आप दिमाग लगाते आपकी हमने बहुत ही अच्छी यूनिक टीम बना ली, हमने परफेक्ट टीम बना ली, आज हमें लाखों रुपए विन करना, तो दोस्तों आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहीं से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि हमने दोस्तों 100 प्लस डीटी टीमों का एनालिसिस करने के बाद पाया कि दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन जिनका सिलेक्शन पर्सन 70 के ऊपर होता है दोस्तों वहां से 4 खिलाड़ी आते हैं, योरेज सिलेक्शन पर्सन जिनका दोस्तों सिलेक्शन पर्सन 30 से 70 के बीच में होता है वहां पर 4 खिलाड़ी, और लोएस्ट सिलेक्शन पर्सन जिनका सिलेक्शन पर्सन 30 से नीचे होता है कम से कम दोस्तों 3 खिलाड़ी आते हैं डीटी पर। दोस्तों यहां पर आईपीएल 2024 की संपूर्ण डीटी टीमों का एनालिसिस करने के बाद पाया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना, 100% इसी प्रकार से यूनिक टीम बनाना, इस प्रकार से अगर आप यूनिक टीम बना रहे तो 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली। तो दोस्तों आप लोगों ने यूनिक टीम बना ली, अब दोस्तों आप लोगों को हम कप्तान कप्तान बनाकर बताते हैं आज किनको कप्तान किनको वाइस कैप्टन बनाकर के दोस्तों अपनी टीम बना लेना है। तो दोस्तों आओ चलते हैं, दोस्तों यहां पर दो प्रकार से कप्तान बनाएंगे, एक होगा दोस्तों हमारा यह सेफ टीम, हम आपको बताते हैं सेफ टीम, ये देखिएगा दोस्तों सेफ टीम है, और दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं रिस्की टीम। तो दो प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं कि आप सेफ जोन पर जाना चाहते हैं या रिस्की जोन पर जाना चाहते हैं, सेफ टीम का कप्तान कौन होगा, सेफ टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा। ये देखिए सेफ टीम का वाइस कैप्टन बना दिया और सेफ टीम का दोस्तों कप्तान और सेफ टीम का वाइस कैप्टन बना दिया। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं किसके माध्यम से, ज्योतिष आंकड़े के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। आओ चलते हैं दोस्तों कप्तान कप्तान बनाते, तो सेफ टीम का कप्तान आज दोस्तों हम किसको बना करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सेफ टीम के कप्तान के रूप में दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जडेजा या देखो डिकॉक को दोस्तों सेफ टीम का कप्तान बना रहे हैं, जडेजा या डिकॉक को सेफ टीम का कप्तान बना रहे हैं। वहीं वाइस कैप्टन के रूप में दोस्तों ऋतुराज या दोस्तों हम आपको बताते हैं ऋतुराज या राहुल को लेकर के जा रहे हैं, ऋतुराज या राहुल के ऊपर दोस्तों भरोसा उत्पन्न कर रहे हैं। आप रिस्की टीम का कप्तान, रिस्की टीम के कप्तान के लिए दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, रिस्की टीम के कप्तान में दोस्तों हम लोग रिस्क लेते हैं स्टोनिस या शिवम को दोस्तों बना सकते हैं। वहीं वाइस कैप्टन के रूप में हम आपको बताते हैं, वाइस कैप्टन के रूप में पथिराना या दोस्तों पांड्या को ले सकते हैं, पथिराना या पांड्या को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस प्रकार से टीम बना करके चलते, इस प्रकार से कप्तान कप्तान दोस्तों बना करके चलते, तो दोस्तों आप लोग 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग केवल हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के लेकर के जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को सफलता नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर टास होने के बाद 10 मिनट बाद आपको 3 टीम दी जाती है जहाँ से आप लोग लाखों रुपये विन कर सकते हैं दोस्तों। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।